कटलेट पोटैटो पैटीज देखने में यूनिक और यकीन मानिए बनाने में बहुत सिंपल है। कटलेट पोटैटो पैटीज के लिए बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कटलेट पोटैटो पैटीज के लिए आज हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल रहे हैं आधा कप बेसन। इसमें 1/4 चम्मच नमक डालकर मिला दें। इसमें हम पानी घोलकर इसको पतला मिक्सर बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और बेसन के लम्प्स अच्छे से डिसॉल्व करें। गरम मसाला भी हम इसी में डालकर मिला देंगे। यहाँ हमने लिया है 1/4 चम्मच गरम मसाला। फाइनली इसमें तकरीबन 2 चम्मच बारीक काटा हुआ धनिया डालकर मिला दें। बेसन का घोल बनकर तैयार है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी पतली रखी है। बेसन के घोल को फिलहाल के लिए अलग रख दें। अब हमें आलू की स्टफिंग तैयार करनी है, जिसके लिए एक गरम पैन में 1.5 से 2 चम्मच तेल डालें। तेल गर्म होने पर इसमें डालें 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, 1 बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, तकरीबन 10 कड़ी पत्तों को तोड़कर डालें और बारीक काटा हुआ 1 प्याज डालकर लगातार करछी चलाते हुए इसे थोड़ा भून लें। प्याज को तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। अब इसमें डालें 1/3 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/3 चम्मच चाट मसाला डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें उबालकर मैश किए हुए 2 मीडियम साइज के आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। आलू पहले से ही गले हुए हैं, तो हमें एक बार बस सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। लास्ट में इसमें थोड़ा बारीक काटा हुआ धनिया डालकर मिला दें और स्टफिंग बनकर तैयार है। स्टफिंग को अलग बर्तन में निकाल लें ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। अब यहाँ हमने लिए हैं 8 ब्रेड स्लाइसेस, जिन्हें हम एक स्टील के ग्लास या कटोरी की मदद से इस तरह काट लेंगे। कटलेट पोटैटो पैटीज रेसिपी में हम ब्रेड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, तो हम इस बची हुई ब्रेड को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करेंगे और इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से बढ़िया होममेड ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। अगर ब्रेड क्रम्स ज्यादा बन जाए तो इन्हें अगली रेसिपी के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम कट किए हुए ब्रेड स्लाइस पर इस तरह से आलू की स्टफिंग लगा लेंगे। एक स्लाइस पर स्टफिंग लगाने के बाद अब ब्रेड का दूसरा स्लाइस लें और इस पर थोड़ा टोमेटो केचप लगाकर हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लें। केचप वाला स्लाइस स्टफिंग वाले स्लाइस के ऊपर इस तरह से रखें। इसी तरह हम सभी ब्रेड स्लाइसेस पर स्टफिंग और केचप लगा लेंगे। अब यहाँ हमने लिया है बेसन का घोल, जो हमने सबसे पहले तैयार किया था। तैयार किए ब्रेड स्लाइसेस को हम इस तरह बेसन के घोल में डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद इनकी ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोटिंग कर लें। इनकी साइड्स पर भी अच्छे से कोटिंग कर लें और अब ये फ्राई करने के लिए तैयार हैं। 8 ब्रेड स्लाइसेस से हमारे 4 पीसेस बनकर तैयार होंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक गरम पैन में थोड़ा तेल डालें। जब तेल गरम हो जाए तब गैस मीडियम हाई पर सेट करें और इसमें पैटीज डालकर फ्राई कर लें। इन्हें फ्राई करना बहुत आसान है। इन्हें बारी बारी पलट कर दोनों तरफ से फ्राई कर लें। इनकी साइड्स भी इस तरह से फ्राई कर लें और अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। इन्हें एक अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लें ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। कटलेट पोटैटो पैटीज को हम इस तरह 4 टुकड़ों में काट कर सर्व करेंगे। इन्हें गर्मा गर्म चाय और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें।
यह एक बहुत सिंपल रेसिपी है जिसे हमने बहुत यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया है। आप भी ये कटलेट पोटैटो पैटीज रेसिपी आज ही ट्राई करें।